नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः आज की हमारे नेशनल पार्क सीरीज में। और ये सीरीज कंटिन्यू चली आ रही है दोस्तों। अभी तक हम लोग असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। असम के हमने कवर कर लिए हैं, राजस्थान के कवर कर लिए हैं और आज ये हमारा पार्ट सेकंड है मध्य प्रदेश में। इससे पहले मध्य प्रदेश के हम लोग जो है कान्हा किसली, बांधवगढ़, पैंच और सतपुड़ा, इनको शायद हम लोग, अच्छा सतपुड़ा शायद रह गया था, माधव को पढ़ लिया था राइट, तो इनको हम लोग पढ़ चुके थे और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके थे। आज इसके हमें आगे पढ़ना है और पिछला वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो इसके जो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं उन 11 राष्ट्रीय उद्यानों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हेडिंग डाल दीजिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा पहला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। और मैं आपके कमेंट को देखा हूँ, चेक किया हूँ, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर ये हमारे कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए यह जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ ये सभी प्रकार के, अब प्लीज़ ये प्रश्न मत करिएगा कि किस एग्जाम के हैं, तो याद कर लो ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं, ठीक है। स्पेशली वो पेपर जो एक दिवसीय हैं, वन डे एग्जाम है, ठीक है, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका PCS जैसे जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो MPPSC हो, जैसे MPPSC के लिए आप पढ़ोगे तो MPPSC में आपके ये जितने भी MP के हैं वो काम आएंगे। अभी जब हम इसके बाद UP का पढ़ेंगे तो UPPCS में UP के काम आएंगे, है ना। तो इस PCS में भी ये फायदा करेंगे, लेकिन कौन से एग्जाम के लिए? प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। किसके लिए फायदा करेंगे ये करेंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक दिवसीय एग्जाम के लिए। अब बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थी ये भी करते हैं कि क्या सर ये IAS के लिए हो सकते हैं, UPSC के लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों आपकी किस्मत अच्छी होगी कि UPSC के लिए ऐसा प्रश्न आ जाए यहाँ से, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि UPSC में एक अलग लेवल का प्रश्न आता है। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये वन डे एग्जाम के पर्पज से है। अधिक से अधिक दोस्तों PCS के एग्जाम तक फायदा पहुँचा सकता है। हाँ, आप UPPCS के अंतर्गत RO ERO जैसे एग्जाम को भी दे रहे हो तो वहां पर भी आपको फायदा पहुंचाएगा, लोअर PCS में भी फायदा पहुंचाएगा। लेकिन आप मुझसे कहोगे क्या सर ये IAS के लिए है, तो मैं कहूंगा बस आपकी किस्मत अच्छी होगी कि IAS में यहां से कोई प्रश्न मिल जाए, ठीक है, एकदम सीधा सीधा। बाकी प्रश्न हो सकता है कि यहां से मिले, लेकिन सीधे तौर पर मिलने के चांसेस कम समझ में आते हैं कि सीधे तौर पर डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन मिल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि UPSC के लिए आप लोग उम्मीद मत लगाइएगा कि यहां से मिलेगा। UPSC का प्रश्न क्या होता है, कथन और कारण पूछता है। और मैं आपको क्या करा रहा हूं, एक इंट्रो दे रहा हूं सारे के सारे नेशनल पार्क का, क्योंकि वनडे एग्जाम में जानते होंगे आप लोग पेपर देते ही हैं, तो वनडे एग्जाम में पूछता कितना है, वो बस इतना ही पूछता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां का है या किस लिए फेमस है। जैसे पूछेगा एशियाई शेर कहां के लिए है, है ना, पूछेगा कि जो है काजीरंगा में क्या फेमस है, या पूछेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में क्या फेमस है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही पूछता है, वो यही पूछेगा कि जो है फलाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बस यही सारा कुछ वो पूछता है आपसे, इससे ज्यादा उसे कुछ पूछना है नहीं है। तो हम इस सीरीज में केवल और केवल एक दिवसीय एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए और कोशिश करिए कि ये वीडियो पूरे YouTube की दुनिया में छा जाए। बहुत शोर कर रहा था, है ना। तो चलिए आज हम जानते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को जानेंगे कि आखिरकार ये लोकेशन कहां पर है, ये कहां पर सिचुएटेड है। तो यह दोस्तों पन्ना से ही समझ में आ गया होगा कि कहां पर है, पन्ना से ही समझ में आ गया होगा, ये पन्ना में है। और पन्ना कहां, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के आगे आप जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो आपने छतरपुर जिला सुन लिया होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला दोस्तों ये ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, है ना, विश्व स्तर पर फेमस हो गया है। और उसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि क्यों फेमस हो गया है, है ना। तो ये पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में,
इन दो जिलों में स्थित है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इन दो जिलों में स्थित है। इसको 1981 में, 1981 में दोस्तों, इसको 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्रदान करी गई थी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको मान्यता कब मिली, कब यह राष्ट्रीय, चूंकि हम लोग 11 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं ना, तो उन्हीं राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे कि 1981 में यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। और इसी के साथ दोस्तों 1994 में यह टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, 1994, 1994 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब यहां पर टाइगर रिजर्व है तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहां पर टाइगर पाया जाता है। और दोस्तों जब आप छतरपुर से कभी रीवा या सतना की तरफ जाओगे तो पन्ना की घाटियां मिलती हैं, और दोस्तों ये वही पन्ना है जहां पर हीरे पाए जाते हैं। आपने हीरों का सुना होगा कि हीरे कहां मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में मिलते हैं हीरे, ठीक है, ये वही वाला पन्ना है। तो यहां पर टाइगर रिजर्व भी पाया, इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसके अलावा जब आप यहां जाओगे दोस्तों तो यहां घूमने लायक भी बहुत बढ़िया चीज है जिसे हम बोलते हैं वाटरफॉल। और यहां पर कौन सा वाटरफॉल है, पांडव वाटरफॉल, पांडव जलप्रपात, पांडव से ही समझ चुके होंगे, ऐसी मान्यता है कि यहां पर पांचों पांडव आए थे और यहां पर रहे थे, ठीक है। तो पांडव वाटरफॉल कहां पाया जाता है, तो ये आपका पन्ना में पाया जाता है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यहां पर आपको स्थित मिल जाएगा पांडव। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कैन घड़ियाल केंद्र संरक्षित है, यानी कैन घड़ियाल संरक्षण किया गया है, ठीक है। यहां से कैन नदी का प्रवाह होता है, कैन नदी, ठीक, कैन नदी जाती है। तो याद रखिएगा ये बात इतना कि है कहां पर, छतरपुर पन्ना में है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, 1994 में टाइगर रिजर्व, क्या है यहां पर, पांडव जलप्रपात है। और दोस्तों यहां पर बाघ भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम। फिर यहां पर कैन घड़ियाल केंद्र बनाया गया है यानी संरक्षण के लिए, और कैन नदी भी है, ठीक, इतना याद रखिएगा जी। अब इसके पहले क्या था 1981 में, तो बस यहां के जो राजा महाराजा थे छतरपुर पन्ना के, इन छतरपुर पन्ना के राजा महाराजाओं का ये शिकारगाह था, मतलब शिकार करते थे जानवरों का, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा राष्ट्रीय उद्यान पन्ना का। और इसमें हाँ एक चीज और है, रेप्टाइल पार्क, प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहां स्थित है, रेप्टाइल पार्क कहां स्थित है, तो यह है पन्ना में, ठीक, पन्ना में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहां है, तो यह भी यहीं पर है, ठीक है, रेप्टाइल पार्क की स्थापना यहां पर की गई है। चलिए अब अगला आएगा दोस्तों हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को भी 1981 में, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यानी नेशनल पार्क इसको कब घोषित किया गया है, तो 1981 में। उसके पहले ये चारागाह शिकारगाह के रूप में ही था, है ना, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था। 1981 में यह जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हुआ है। और यहां एक चीज और जानिएगा कि इस उद्यान को दोस्तों लगभग 1999 और 2000 की बात है, ठीक है, यस 1999 या 2000 के समय में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था, ठीक, 1999-2000 में, वर्ष 2000 में इसको किया गया है टाइगर रिजर्व घोषित, ठीक, टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया, 1999 और वर्ष 2000, ठीक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अच्छा हाँ, लोकेशन कहां है, ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद कहां पर स्थित है, होशंगाबाद, होशंगाबाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सतपुड़ा एक्चुअल में पहाड़ियों का एरिया है, पहाड़ियों का, तो यहाँ का आप दृश्य एक बार कल्पना करिए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों वाला है, जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ हो, ठीक है, झरने हो, तो कितना अच्छा दृश्य हो सकता है, यहाँ पर कितना एक अच्छा व्यू हो सकता है,
है ना, तो मुझे लगता है कि घूमने के लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर दो आपको अभयारण्य भी मिलेंगे, एक तो इसमें मिलता है पचमढ़ी अभयारण्य, पचमढ़ी अभयारण्य। और जब हम पचमढ़ी अभयारण्य की बात कर ही रहे हैं तो यहीं पर मिलता है दोस्तों बोरी अभयारण्य, ठीक है, बोरी अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य इसी में यहीं पर स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है दोस्तों धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, वो भी यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ इसी राष्ट्रीय उद्यान में सिचुएटेड है, स्थापित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। और यदि आप मध्य प्रदेश के हैं और या मध्य प्रदेश के आसपास में आप होशंगाबाद जिले के आसपास के हैं और आपको लगता है कि हमें घूमना चाहिए किसी हिल स्टेशन पर, मसूरी नहीं जा पा रहे हो, जहां पर हमारे आईएएस के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है वहां नहीं जा पा रहे उस मसूरी में, तो दोस्तों आप यहां पर भी जा सकते हो, यहां पर पचमढ़ी स्थित है और दोस्तों प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, कौन सा है, पचमढ़ी, प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, पचमढ़ी है जी। बाकी दोस्तों यहां पर बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, सब कॉमन हैं, है ना, हिरण पाए जाते हैं, चीतल, बारहसिंगा, बाघ, ये सभी कॉमन हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा सतपुड़ा में, ठीक, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आएगा दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, बाकी आप आगे जोड़ दीजिए राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, एक सेकंड दोस्तों जी जी, तो ये संजय गांधी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के पूरब में स्थित है। अब इसके बारे में माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है सीधी जिले में है और कुछ लोग कहते हैं सिंगरौली में है, तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि दोनों जिलों में ही है, ठीक है। तो संजय गांधी कहां पर है, मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली, सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब इसको प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता था, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी वर्ष 2000 के पहले पहले तक प्रदेश का सबसे बड़ा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाने के पश्चात यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में चला गया, यानी इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला जाने के कारण इसी राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुरु घासीराम या घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है और मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसी राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में 1981 में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यानी इसको 1981 याद ही कर लीजिए, देखिए मैक्सिमम जितने भी हैं कब स्थापित हो रहे हैं, तो मैक्सिमम 1981 में हो रहे हैं, ठीक है, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इनको मान्यता दी जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों लगभग 2008-09 का साल था इस समय इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इस समय इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है, 2008 और 9 के समय में, 9 के वर्ष में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों संजय गांधी को। अब यहां दोस्तों बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है संजय गांधी में, ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी तो सारा कुछ पाया ही जाता है। इसमें मेन चीज यही है कि सीधी सिंगरौली फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं था तब तक, ये प्रदेश का सबसे बड़ा था, ठीक है, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 2008-09 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। इसके बाद आएगा दोस्तों जीवाश्म उद्यान, घुघवा जीवाश्म उद्यान, घुघवा जीवाश्म, अब जीवाश्म से समझ गए होंगे कि यहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं, और दोस्तों यहां जो जीवाश्म मिलते हैं यह जीवाश्म लगभग माना गया दोस्तों 7 साल से लेकर के 65 लाख साल तक,
पैंसठ लाख, सात लाख साल से लेकर के, सात लाख साल से लेकर के पैंसठ लाख वर्ष पूर्व तक के यहां पर जीवाश्म मिलते हैं। और कुछ जीवाश्म तो दोस्तों ऐसे हैं जो केवल और केवल मतलब यहां से मिल रहे हैं, और कुछ केवल पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। यानी कुछ ये चीजें दर्शाती हैं कि यह वाला जो भाग है कभी ना कभी अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ रहा होगा, ऐसा माना गया है, क्योंकि यहां पर वही चीज पाए जा रहे हैं जो पहले वहां हुआ करते थे अफ्रीका में, है ना। घुघवा जीवाश्म उद्यान जी, तो यहां दोस्तों घुघवा जीवाश्म उद्यान में जीवाश्म पाए, जैसे डायनेफेट का जो है जीवाश्म मिला है, ठीक, और जो अफ्रीका से ही रिलेटेड है घुघवा जीवाश्म उद्यान, ठीक। तो घुघवा जीवाश्म उद्यान के बारे में बस इतना ही याद रखना कि किस प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, और इसमें सात लाख से लेकर के, सात लाख साल से लेकर के पैंसठ लाख साल तक के जो है जीवाश्म मिल रहे हैं, ठीक है, जीवाश्म मिल रहे हैं। इसके बाद हमने शायद कल पिछली क्लास में वन विहार को पढ़ लिया था, मुझे ऐसा विश्वास है कि वन विहार पढ़ लिया था, और यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर वन विहार रह गया है, इसको आप कवर करा दीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली क्लास में जैसे मैंने कवर कराया हो, भोपाल में स्थित था और यहाँ पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और वहाँ गोद लेने की भी परंपरा है कि आप किसी जीव को गोद ले सकते हैं, और गोद लेने का मतलब ये नहीं था कि जो है आप उसको घर ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं था, आप वही चिड़ियाघर में ही रहेगा, वो वन विहार में ही रहेगा, लेकिन उसके आप भोजन पानी का, उसके रहने के लिए पूरा खर्चा जो है दे सकते हो, तो ऐसी गोद लेने की व्यवस्था है वहाँ पर, शायद मैंने पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। और उसमें यह भी बताया था कि एक सांपों की टंकी, 200 बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं वहाँ पर, है ना, आप लोग जाएंगे तो मिलेगा आपको। अगला है दोस्तों हमारा डायनासोर, डायनासोर जीवाश्म, ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के लिख दीजिएगा, ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के धार में, है ना, धार, रतलाम, ये सारे जिला उसी तरफ हैं, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अभी एक हमने घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, ये दूसरा हमारा डायनासोर जीवाश्म उद्यान है, ठीक, डायनासोर जीवाश्म उद्यान है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यह प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है, ठीक है, प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है, मध्य प्रदेश का ये दूसरा जीवाश्म उद्यान है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़े एरिया में नहीं फैला है, बल्कि ऐसा माना गया है कि यहाँ से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराना, ठीक है, लगभग यहाँ से 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म मिला है, डायनासोर का यहां से जीवाश्म मिला है, 6.5 करोड़ वर्ष पुराना यहां से डायनासोर का जीवाश्म है। तो शायद आप लोग समझ सकते होंगे कि यहां पर डायनासोर मिलने का कारण ही इसका नाम क्या रख दिया गया है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों ये संरक्षण करता है डायनासोर के, ऐसा भी माना गया कि यहाँ पर अंडे हैं, तो अंडे का संरक्षण किया गया है डायनासोर के, ठीक है जी। और बहुत सारे यहाँ से छाव जो है डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट होगा, ठीक है, लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है पालपुर कूनो अभयारण्य के नाम से ये जाना जाता है, पालपुर कूनो। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ बताया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है, ठीक है, वो पहले ही बता दिया होगा, तो इसको अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान की भी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये 1981 से लेकर के 2018 तक अभयारण्य रहा है, एक बहुत लंबे समय तक इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, है ना, 1921 से लेकर के वर्ष 2018 तक इसको अभयारण्य बनाए रखा। अब अभयारण्य इस बना रहा तो लोगों को पशु चारण करने का अधिकार है, लोगों को लकड़ियाँ काटने का अधिकार है ना, बहुत सारे। अब इसको क्या किया हमने, राष्ट्रीय उद्यान कर दिया, ठीक है, नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया, और इसके अलावा इसमें संरक्षण कर दिया इसका, तो जैसे संरक्षण हुआ तो ये मानव जो एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पर जो है बंद हो जाएगी, और जैसे मानव एक्टिविटीज़ बंद हुई अर्थात 2018 में इसमें जो भी मानव गतिविधियाँ हो रही थी उन मानव गतिविधियों को बंद कर दिया गया, किस कारण से, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके। तो हम कह सकते हैं
कि इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया, वर्ष 2018 में। ठीक, वर्ष 2018 है कहाँ पर, तो दोस्तों ये स्थित है शिवपुरी में। ठीक है, ये ग्वालियर वाला जो एरिया है, चंबल वाला जो एरिया है, ठीक है, वहीं पर स्थित है ये शिवपुरी में, बिल्कुल जी। तो ऐसा माना गया है कि यहाँ से पार्वती नदी जो है यहीं से निकलती है। ठीक है, और बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो आप लोग इसको ये मान के चल सकते हैं कि प्रदेश का सबसे छोटा है ये। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा जी, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यही है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा यही है। ठीक है, और कमेंट में आप लोग बताओगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा चलो पालपुर पूनो अभयारण्य है, तो सबसे बड़ा कौन है ये आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारे ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ठीक है, और अब इसके आगे हम जो है कल किसी नए राज्य के रूप में आएंगे, कल किसी नए राज्य के बारे में समझेंगे। और आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं आपको प्रत्येक वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन दूं करने के लिए, क्या आप तैयार हैं, और वो क्वेश्चन पिछली क्लास से होंगे, वर्तमान की क्लास से नहीं होंगे। जैसे मैंने जो आज पढ़ाया इस क्लास से मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, पिछली क्लास से आपको क्वेश्चन दूंगा जो मैंने पिछली वीडियो, जैसे मैंने आपको मध्यप्रदेश पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, तो उससे जो वीडियो, उस वीडियो से जो क्वेश्चन बने होंगे उनको मैं इस वीडियो में रखूंगा। तो यदि आप लोगों की स्वीकृति हो, आज मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, यदि आप इसमें कमेंट करके बता देंगे तो मैं कल के वीडियो में, जो आपको कल वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में मैं आपसे इस चीज़ को कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभयारण्य हैं। हाँ, एक चीज़ जान लीजिएगा, यदि प्रश्न आ जाए कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है, इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, पेपर में आ जाता है। यदि आप मध्य प्रदेश का कोई पेपर दोगे ना, तो वहां पर इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है दोस्तों नौरा देही अभयारण्य, प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो सागर जिले में, मुख्यतः सागर में, बाकी आसपास तो फैला हुआ है, तो सागर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, इसके वीडियो में अपन इसके अगले वीडियो में अपन किसी नए स्टेट के रूप में, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम देने वाले विद्यार्थी यहीं पर हैं, तो इसको थोड़ी सी डिटेल में भी पढ़ लेंगे उत्तर प्रदेश वाले को। ठीक है, तो कल हमारा जो वीडियो होगा वो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान होंगे या इस प्रकार के जो भी संरक्षण हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।